हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के शेयर प्राइस पे। फ्रेंड्स, क्या कुछ इसकी अपडेट आई है जो कि इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और क्या कुछ इसके सपोर्ट और टारगेट रहेंगे, और कैसा मूवमेंट अब आपको स्टॉक में देखने को मिलने वाला, डिटेल से समझेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले तो देखो भाई, मार्केट अब ट्रेंड में शॉर्ट टर्म में चली हुई है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो भाई ये एक जोन है जिस बीच मार्केट ट्रेड कर रही है। अब जो अपडेट आई है उससे आपको पता चल जाएगा कि ये ब्रेकआउट देगी या नहीं, तो समझते हैं कि अपडेट क्या आई है। हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में एंट्री को लेकर LIC का आया बयान। यहाँ पे LIC ने जो कहे जा रहे थे ना कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में भी एंट्री करेगी, उस पर LIC का बयान आ गया है। उन्होंने क्या कहा है ये समझते हैं। देश की सरकार के स्वामित्व वाली बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब LIC हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में एंट्री की खबरों के बीच बयान जारी किया है। क्योंकि आजकल ना मार्केट में कुछ भी न्यूज चला देते हैं, जैसे कि अभी चलाया था जो पेटीएम है उसमें अडानी जी अपनी होल्डिंग कर रहे हैं, लेकिन वो भी झूठ था, जिस बेस से भाई स्टॉक में काफ़ी अच्छी रैली आपको देखने को मिली थी। अब यहाँ पे भी यही है कि हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में एंट्री की खबर के बीच LIC ने अपना बयान जारी कर दिया है। LIC ने अपने बयान में कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में कदम रखने का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है, मतलब औपचारिक कोई ऐसा लिखित का होता ना वो नहीं है। मौजूदा समय में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को अंडरराइट करने की इजाज़त नहीं है, मतलब इनको परमिशन नहीं मिली। ऐसी पॉलिसी सामान्य बीमाकर्ता या स्टैंडर्ड अलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनी ही बेचती हैं, भाई LIC नहीं कदम रखने जा रही। जो कि स्वास्थ्य LIC थी ना स्वास्थ्य बीमा में, तो वही हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में ये एंट्री नहीं कर रही है। तो ये तो अपडेट थी। अपडेट भाई देखो, एक तरीके से आप नेगेटिव कह सकते हो, क्योंकि देखो अगर ये इसमें एंट्री करती हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में तो भाई इनको और भी बेनिफिट होने वाले थे, लेकिन ये एंट्री नहीं कर रही है, तो एक तरीके से आप इसे नेगेटिव अपडेट कह सकते हो। लेकिन कितना नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाएगी वो हम चार्ट पे समझते हैं। चलते हैं चार्ट पे। तो फिलहाल चार्ट पे आ गए हैं, और यहाँ पे अगर देखो नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे एक रिस्टेंस भी है जो कि है 1086 का, तो यहाँ से रिटर्न आने के चांस हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रिस्टेंस है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी मल्टी टाइम, और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे अब, ठीक है। लेकिन अगर गिरावट देखने को मिले तो कितनी देखने को मिलेगी, शॉर्ट टर्म का मैं बता रही हूँ। बिल्कुल यहाँ पे हम अपनी ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगाते हैं। तो अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है मार्केट आज, तो भाई नीचे के ही ये प्रेशर दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर सपोर्ट रहेगा ये जो कि है 952 का, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, अब इसको हम हटा देते हैं जो हमने ये ट्रेंड लाइन लगाई थी, ठीक है। अब बात करें अगर ब्रेकआउट देती है तो टारगेट क्या रहेगा। पहला टारगेट रहेगा इसका 1174 का, ठीक है। अगर 1174 का ब्रेकआउट देती है तो फिर मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगी, जो हमारी रेक्टेंगल है उतनी डेप्थ का अपसाइड जाएगा। लेकिन अभी टाइम है, बहुत टाइम है ब्रेकआउट में, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर देंगे। और नीचे के लेवल में एक तो मैंने आपको बता दिया 952 का पहला सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट रहेगा 863 का। ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल इसमें रहने वाले हैं। बाकी और कोई भी डाउट हो इसको लेके तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आप एक कमेंट जरूर करना कि आपने कितने प्राइस पर कितनी क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखी हैं। और फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट से पहले खुद के एनालिसिस जरूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है।